हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में, मैं हूं नंदिनी किंद्रा आपके साथ। देश में तो मॉनसून ने दस्तक दे दी, अब इंतजार है प्रदेश में मॉनसून के आने का। मॉनसून के दस्तक देते ही मानो हर ओर खुशहाली सी छा जाती है। मॉनसून के आने का एहसास सच में बेहद खास होता है और इस मॉनसून में जब बारिश आए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि इस जलती धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ जाएं तो लोगों को भी सुख की सांस आए। इस बारिश में भला कौन भीगना नहीं चाहेगा, और अगर आप भी बारिश में भीगने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। तो मॉनसून आने को है, लेकिन बारिश का लुत्फ उठाते उठाते जो सावधानी बरतनी है उसे जरूर बरतिएगा, क्योंकि मॉनसून में होने वाली बारिश के चलते जो बीमारियां होती हैं उनसे अगर आपको बचना है तो आपके लिए पहले से सावधान रहना बेहद जरूरी है। और ये खास पेशकश हम लेकर आए हैं आपके लिए ही, ताकि आप जान सकें कि मॉनसून में, बारिश के मौसम में किस तरीके से तमाम बीमारियों से बचा जाए और कौन कौन सी वो खतरनाक बीमारियां होती हैं जो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। हमारे साथ इसी पर गेस्ट जुड़े हैं डॉक्टर हिमांशु जैन, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो डॉक्टर हिमांशु गर्ग है हमारे साथ, माफ कीजिएगा सर। डॉक्टर हिमांशु, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि मॉनसून में होने वाली बीमारियां होती कौन कौन सी हैं और कितनी ज्यादा गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि कई बीमारियां छोटे स्तर की होते हुए भी कई बार जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या राय आप दर्शकों को देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि मॉनसून आने को है, और मॉनसून जितना सुहाना है, जितनी अच्छी खुशियां लाता है, उतने साथ अपने साथ उतनी ही बीमारियां भी लाता है, और ये पैटर्न और ये सिलसिला अब हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जान लें और इसको लेकर के सतर्क हो जाएं और इसके बारे में जो तैयारी की जा सकती है वो करें। तो जैसे मॉनसून आता है, अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे वेक्टर्स हो जाते हैं, मॉस्किटोज जो है और रिकेट्सियल, बहुत सारे ऐसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए ये जो मौसम है जाना जाता है। और साधारण तौर पे कहें डेंगू की बीमारी, जो कि बहुत सालों से लगातार आती जा रही है, हम देखते हैं कि जब भी ये पानी इकट्ठा होता है मच्छरों की जो है वो संख्या बढ़ जाती है, तो ये बहुत बड़े फॉर्म में आता है। इसका हालांकि बहुत ही कम हिस्सा है जो कि फेटल होता है। बहुत सारे डेंगू जो बुखार हैं वो जनरली अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसको लेकर के बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। लोग अपने प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करने लगते हैं और जरा सा भी उसमें गिरावट देखते हैं तो वो एडमिट होने की कोशिश करते हैं, कहीं पे बेड नहीं उपलब्ध होता। तो इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डेंगू बीमार जो है वो, लेकिन उसका 1% ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको एडमिशन की जरूरत है, बहुत गहन चिकित्सा की, आईसीयू की जरूरत है। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लें, उसको समझ लें। जो दूसरी बड़ी बीमारी है मलेरिया की, जो कि वो भी पानी के उसके होती है, और पिछले सालों में हमने चिकनगुनिया भी देखा, काफ़ी मात्रा में चिकनगुनिया के भी पेशेंट्स आए। कुछ रिकेट्सियल बीमारियां हैं, स्क्रब टाइफस वगैरह, जो कि दोनों तरफ निमोनिया पैदा करती हैं। तो ये लगभग 4-5 बीमारियां हैं जो कि काफ़ी फॉर्म में जो मॉनसून से लिंक्ड है, और हर साल आती हैं, हर साल बहुत सारी ऐसी मोर्टेलिटी, हर साल कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी करती हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको लेकर के सिर्फ आई थिंक मेडिकल ग्राउंड पे नहीं, लेकिन जहां जहां पानी इकट्ठा होने की, अभी पहला प्रोग्राम मैं देख रहा था उसके बारे में आप डिस्कस कर रहे थे कि शहर में अगर कहीं पानी ना इकट्ठा हो, चाहे कूलर साफ रहें, सारी ऐसी चीज़ें ठीक रहें, तो इसको काफी हद तक तो वहीं पे इसको हैंडल किया जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, और ऐसे में अगर इन तमाम खतरनाक बीमारियों से पहले से ही हम सावधानी करें और ऐसी मॉनसून में होने वाली बीमारियों से हम बचना चाहते हैं, तो एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या फील करते हैं कि तमाम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जो बहुत आसान हो, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी होती है कि वो इस तरह की बीमारियों से बच सके? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मॉनसून लिंक्ड जो बीमारियां हैं ये सारी वेक्टर बॉर्न है, मॉस्किटोज बॉर्न है। तो हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, घर में इंश्योर करें कि जैसे कूलर है, अब उसमें कोई पानी इकट्ठा ना हो, उसमें चेंज हो, या कुछ केरोसिन ऑयल थोड़ा सा डाल दें ताकि उसमें मच्छर के जो वो जो एग्स हैं वो ना वहाँ पे रह पाएं। कहीं पे
ये इंश्योर करें कि पानी इकट्ठा ना हो हमारे आसपास, घर के आसपास अगर कहीं कहीं छोटे मोटे नाले बन गए हैं उसको जो भी हम करें, जैसे भी डील करें, इंश्योर करें। बच्चे जब बाहर जाते हैं, अब स्कूल खुल जाएंगे, अगले हफ्ते से स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे जब जब स्कूलों में जाएंगे तो वो कवर्ड रहें, उनका जो शरीर है जो उनको फुल स्लीव्स शर्ट्स पैंट्स पहनाएं, ताकि अगर और उनको कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट्स अगर वो सेफ हैं यूज़ करने के तो उसको वो भी यूज़ किया जा सकता है। स्कूल भी इस तरह के मेजर्स लें ताकि वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं जो मच्छरों से जिनको हम डील कर सकते हैं वो ना हो। और अगर जैसे ही हमें सिम्टम्स आए और हम जल्दी से उस चीज़ को अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं, उसे परामर्श लें और उसके बारे में हम डील करें। और इसमें देखिए ये तो इंडिविजुअल लेवल हो गया एक्टिविटी, और फिर कम्युनिटी लेवल आई थिंक सतर्क रहे, सरकारी मैकेनिज्म बहुत, जैसे मैंने बोला पानी ना इकट्ठा हो, वाटर हेल्थ को लेकर के, और वो जो हेल्थ फैसिलिटीज को अपग्रेड करने की जरूरत होती है इस समय पे, मेरा ख्याल वो भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर खान पान की बात करें तो ऐसा अमूमन कहा जाता है कि बारिश के सीजन में मुख्य तौर पर बच्चों को सावधान रखा जाता है कि बाहर का कुछ भी ना खिलाया जाए, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मॉनसून के सीजन में अगर बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो वो हानिकारक हो सकता है? खान पान में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, खान पान में भी बहुत इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है हवा में, तो उससे भी जो खाने की जो है ना चीज़ें उनमें मॉइस्चर आ जाता है, फंगल इन्फेक्शंस जल्दी ख़राब होने की उनकी वो रहती है, और अगर वो ध्यान से नहीं रखा गया, कोई ऐसा आपने फूड कंज्यूम कर लिया तो इसमें इस समय देखिए कॉलरा जैसी बीमारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज वो इन्फेक्टेड फूड है, इन्फेक्टेड फूड खाने की वजह से, जो कि वो भी एक पानी से लिंक्ड बीमारी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी भी अगर बाहर से पी लें तो सावधानी से पिएं, खाना भी हम खा रहे हैं देखें कि हाइजेनिकली वो स्टोर्ड है, और जो हम अपने घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं खाना उसको भी देखें कि वो मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड है, ज़्यादा समय पुराना नहीं है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, मेरा ख्याल इससे बहुत कुछ जो है हेल्थ केयर में हम जी बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ रोहतक से संवाददाता हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, जैसा कि हम इस समय मॉनसून में होने वाली बीमारियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि ये बीमारियां मच्छरों की वजह से होती हैं, ये सब वेक्टर डिसीजेस होती हैं और मच्छर पनपते हैं जल भराव होने से, तो हर्षवर्धन कहीं ना कहीं तमाम शहरों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा होता है जो मच्छर पैदा करता है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो यानी सड़कों पर चलना जहां पर जल भराव हो वो भी बीमारियां पैदा करता है, और ऐसे में प्रशासन बेसुध है, लापरवाह है। देखिए जिस तरीके से जब मानसून करवट लेता है उसके बाद कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति होती है, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि प्रशासन को जैसे ही मानसून की बरसात आती है और उसके बाद जैसे ही जल भराव शुरू होता है उसी वक्त जो है इस बात को संज्ञान में लेकर के वहां पर दवाएं छिड़काव कराना चाहिए ताकि मच्छर ना पनप सके। लेकिन जब कोई विकराल रूप धारण कर लेती है और ये पता लगता है कि ये मच्छर की फैलने से जो है ये बीमारी बनी है, उसके बाद जाके प्रशासन जो है कुलकर्णी नींद से जागता है और उसके बाद जो है इन तरीके के जिस तरीके से फिर मीडिया के सामने सफाई वहां पर सैंपल लिए, वहां मच्छर नहीं पनपने दिए, अगर शुरुआती दौर से ही प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट हो जाए तो जिस तरीके से ये जो बुखार की बीमारी आती है या और मौसमी बीमारियां आती हैं उनसे लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन पहले प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता, पहले भी नहीं दिया जाता, और हो सकता है कि जिस तरह से अब ये समय आ रहा है तो इसमें भी ध्यान ना दिया जाए। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, अगर मैं रोहतक शहर की बात करूं तो अभी प्री मानसून की बारिश पूरे हरियाणा में हुई है और बहुत छोटी मोटी बारिश में ही तमाम शहरों की जो तस्वीर थी वो बेहद निराशाजनक थी। कई जगहों पर सड़कों पर जरा सी बारिश में इतना जलभराव हो गया कि लोग फिक्रमंद हैं कि जब मानसून की बारिश होगी तब सड़कों के हालात क्या होंगे। अगर मैं रोहतक की बात करूं तो वहां पर क्या हालात देखने को मिले? देखिए अभी रोहतक की बात की जाए तो इतनी बारिश नहीं आई जिससे जल भराव की स्थिति हुई हो, हालांकि ठीक है कुछ नहीं है लेकिन जल भराव की स्थिति की है तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है तो रोहतक की तमाम सड़कें जो है वो पानी से लबालब हो जाएंगी, और हर बार हर साल जो है सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि बरसाती पानी को निकालने के लिए जो है तमाम दावे कर दिए गए हैं, तमाम कार्रवाई पूरी कर दी गई है, लेकिन जब बरसात आती है तो ये दावे सिर्फ जो है धरे के धरे रह जाते हैं, इन दावों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। तो इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन और सरकार
अपने दावों के प्रति कितनी सजग रहती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जाए इस पर चर्चा हम कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु गर्ग। बात हो रही है कि मानसून में होने वाली तमाम बीमारियों से कैसे बचा जाए, और तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ सिरसा से संवाददाता अमित तिवाड़ी जुड़ गए हैं। अमित, लगातार मानसून में होने वाली बीमारियों को लेकर जब बात आती है तो बात यह होती है कि मच्छरों से ये बीमारियां पनपती हैं, और मच्छर पनपने जब शहर भर में जल भराव होता है तो ऐसे में ये प्रशासनिक लापरवाही होती है जब शहर भर में जरा सी बारिश में इतना पानी जमा हो जाता है और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां उससे पनपती हैं। अगर मैं सिरसा की बात करूं, चूंकि अभी प्री मानसून की जरा सी बारिश में ही शहर में प्रशासन की पोल खुली है, सिरसा में क्या हालात? बेहाल हो जाते हैं, हालांकि गर्मी खूब सताती है, उस समय बरसात की आ जाती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसकी वजह से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जो निचले इलाके हैं सिरसा के, उनमें जल भराव की समस्या काफी पुरानी है और निकासी का पूरा प्रबंध नहीं है, जिस वजह से जब बरसात थोड़ी सी भी आती है तो काफी पानी जो भर जाता है और उसके निकलने का समुचित प्रबंध नहीं होता, जिस वजह से मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से बाद में जो है व्यवस्था करवाई जाती है, दवाइयां छिड़काई करवाई जाती है और पानी निकालने का प्रबंध किया जाता है, लेकिन पहले से इंतजाम क्यों नहीं होते, हर बार प्रशासन से यह सवाल पूछा जाता है। और अब इस बार जो मौसम है वो काफी अलग तरह का मौसम है, कभी गर्मी है, कभी जो है मौसम बदल रहा है, बरसात आ जाती है, तो इस मौसम में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, क्योंकि जो गर्म सर्द का जो चक्कर है वो आम लोगों के साथ सामने आता है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका जुड़ने के लिए। और प्रशासनिक लापरवाही की लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं डॉक्टर हिमांशु गर्ग, जो हमें बता रहे हैं कि कैसे मानसून में होने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो हर साल होती हैं। डॉक्टर हिमांशु, हर साल हम तस्वीर देखते हैं पूरे देश में मानसून में होने वाली बीमारियों के बाद एक हेल्थ इमरजेंसी सी आ जाती है, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, इसकी चपेट में इतनी तादाद में लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, तो ये जो हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं, आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है, किधर से लापरवाही होती है, किस तरफ चूक होती है कि इतने बुरे हालात हो जाते हैं, जबकि कैसी सिचुएशन आने वाली है, सिचुएशन कितनी वर्स्ट होने वाली है, ये हमें पहले से पता होता है? देखिए, बड़ी मेरा ख्याल एक विडंबना है कि ये स्टोरी और ये समस्या साल दर साल रिपीट होती है और बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। इसके बारे में हमें आज से मालूम है, आज से एक महीने बाद क्या होने वाला है, और लेकिन और ये कहीं ना कहीं एक मेरा ख्याल टेस्ट रहता है प्रशासन के लिए कि वो कैसे इस चीज़ को, कुछ ऐसे ऑफिसर्स मेरे ख्याल कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को ही सरकार मॉडल की तरफ ले ले कि भाई इन डिस्ट्रिक्ट्स को हमने अपटेक करना है और यहाँ पे हमें मोर्टेलिटी या डिजीज बर्डन कम करना है, तो और फिर धीरे धीरे करके उसको फॉलो करें। मेरे ख्याल ऐसा कुछ करने से ही दूसरों को शायद उसमें हो, लेकिन हर लेवल पे देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी हम देखते हैं होता क्या है कि एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है, जब कुछ लोगों को डेंगू डिटेक्ट होने लगता है तो फिर उससे वो हर आदमी वहाँ एडमिट भी होना चाहता है और एडमिट हो जाते हैं, बेड की स्केस्टिटी हो जाती है, तो ज़्यादा बीमार जो लोग होते हैं कई बार उनको बेड ही नहीं मिल पाता हर जगह, तो हर उसमें ओवर प्रिकॉशन और अंडर प्रिकॉशन दोनों चीज़ों से ही हमें केयरफुल रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे गवर्नमेंट की, जिसको इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, जिनको हम नहीं इंश्योर कर सकते कि पानी इकट्ठा ना हो, फॉगिंग हो जो रिलेटिव एरियाज में है, तो वो रोल अब तो सरकार को करना ही पड़ेगा और उसी के लेके हमें प्रेशर मेरे ख्याल उनको करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर सर यही होती है कि पहले जब सिचुएशन ठीक होती है तब प्रशासन जागता नहीं, और बाद में जब सिचुएशन खराब हो जाती है तो एक तरीके की फॉर्मेलिटी, अगर डेंगू की बीमारी लगातार बढ़ती है तो आप ना फॉगिंग करा देते हैं, आप क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर्स लगा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन होता है मानसून के बाद, जो बीमारियां होती हैं बारिश होने के बाद, उससे लोग इतना परेशान होते हैं, और अफसोस की बात यह होती है कि अगर पहले से तैयारियां कर ली गई होती तो शायद इतनी खराब व्यवस्था, इतनी खराब कंक्लूजन नहीं होता, और ये बात प्रशासन नहीं समझता। ये बात बिल्कुल सही है। आई थिंक इसको लेकर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम इसको डॉक्यूमेंट करें, है ना, इस तरीके की जो आज मतलब ये जिले बाई जिले अगर हम इसको एक तरह से कंपटीशन की तरह देखें
और ये साल दर साल देखें कि भाई आज गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में अगर इस साल इतने डेंगू के केस हुए तो अगले साल क्या ट्रेंड है, जी जी और फिर उसको लोगों को अकाउंटेबल हेल्ड करें। ये तो बात सिर्फ यहाँ करके नहीं होगा कि जिनकी जिम्मेवारी है उनको क्या एडिक्वेट रिसोर्सेज दिए गए, एडिक्वेट उनको फंड्स मिले इस चीज़ को फाइट करने के लिए, और फिर उन्होंने अगर नहीं डिलीवर किया तो पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि जी अल्टीमेटली इससे लोगों की जान जा रही है, इससे छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कितने साल और इग्नोर करेंगे, और इसकी बहुत बड़ी कीमत सोसाइटी को देनी पड़ेगी। बिल्कुल, और हर बार सोसाइटी इस चीज़ की कीमत देती है सर। जब किसी परिवार का कोई शख्स जाता है और डेंगू जैसी बीमारी की वजह से, तो ये बेहद निराशाजनक होता है कि अगर सही समय पर सही इलाज मिल जाता है, इस तरह के कई अफसोस होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, तो वहां पर जाने वाले जो लोग हैं अमूमन वो होते हैं जो प्राइवेट महंगे अस्पतालों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको क्या वैसी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन क्या सुविधाओं के अभाव के चलते भी ये बीमारियां जो क्योर हो सकती हैं वो जानलेवा हो जाती हैं? देखिए, जब भी इस तरह का मौसम आता है तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह के वार्ड्स बनाए जाते हैं, या तो डेंगू वार्ड या मलेरिया वार्ड, तो इस तरह की कोशिश जरूर होती है, मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से कि इस तरह के वार्ड्स क्रिएट हो। बट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ये बीमारियाँ हैं ये हाइजीन लिंक्ड हैं, इसमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हॉस्पिटल हो तो उसको लेकर के। और अब तो आयुष्मान भारत की मीनो आजकल जो लोग हैं जो उस जो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो वो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स का भी फायदा लेकर के प्राइवेट हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो सुविधाएं हैं, लेकिन आई थिंक फिर भी बहुत कम है। जितने लोग बीमार हो जाते हैं अचानक, उसको देखते हुए उतने हम गियर्ड अप नहीं है उस तरह के मास्क को। और ये कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है, ये पूरा फिनोमिना जो होता जी है जी मॉनसून में प्रिवेंटेबल है, तो जी ये उसको हमें उसी नज़र से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़े हैं जो कि हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा डिपार्टमेंट के पूर्व निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पंकज। मॉनसून नमस्कार। में होने वाली सर तमाम जानलेवा बीमारियों से कैसे बचा जाए, अगर पहले से सावधानी बरती जाए, तो ऐसे में क्या सजेस्ट आप करेंगे और प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम होने चाहिए इन बीमारियों से बचाने के लिए तमाम लोगों को? देखिए, ये जो मौसमी बीमारियां हैं ये हर साल आती हैं, हर साल मौसम बदलता है, जी ठीक है, और वर्ष में कभी मौसमी बीमारी है, कभी मलेरिया डेंगू है, तो कभी किसी और के कारण होता है, बाकी होता है। तो जी बेसिकली मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो डॉक्टर्स की फैसिलिटी हैं, जी वो हमें स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर लेवल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर, सभी जी जगह पर वो स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम स्ट्रेंथन कर देंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। मान लो एक एक गांव के अंदर अगर मौसमी बीमारी से कुछ लोग होते हैं और वहीं पे अगर सब सेंटर पर उनको सुविधाएं मिल रही हैं या उसके आसपास नजदीक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिल रही हैं, तो वो लगेगा नहीं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और व्यवस्था चरमरा गई है। जी लेकिन जब वो सारी सुविधाएं पीएससी सीएससी सब सेंटर लेवल्स पर नहीं मिलती हैं तो सारे का सारा जो बर्डन है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे आ जाता है, जी जी और वो सारे सारा सिस्टम कलेप्स हो जाता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पीएससी लेवल पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर, विलेज लेवल पर उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है, बहुत जी जरूरी है। जी बिल्कुल, कि बहुत बहुत आप शुक्रिया। देखेंगे जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से अवेलेबल अगर समय पर हों तो इन बीमारियों से पेशेंट को बचाया भी जा सकता है। और हमारे साथ लगातार हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु गर्ग जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को ये बताने के लिए कि कौन कौन सी जानलेवा बीमारियां हैं और उनसे किस तरीके से सावधानी बरतते हुए बचा उनको उनसे बचा जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।